अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद यावर मिर्ज़ा है और मैं रांची झारखंड का रहने वाला हूँ। मेरा जो सवाल है वो हलाल और हराम कमाई से रिलेटेड है। मैं कंपनी में जॉब करता हूँ जहाँ पे इंटरनेट लिंक प्रोवाइड किया जाता है कंपनीज को, कॉरपोरेट सेक्टर्स को इंटरनेट दिया जाता है, जिससे कॉरपोरेट ऑफिस जो है वो इंटरनेट चलाते हैं उससे। तो इस कंपनी का काम जो है बैंकों में भी होता है, बहुत सारे बैंक्स में इंस्टॉलेशन होता है, डिवाइसेस वगैरह इंस्टॉल करके उसको एक्टिवेट किया जाता है इंटरनेट को। तो ये काम हम लोग करते हैं जाके इंस्टॉलेशन का। तो ये काम एक तरह से बैंकों में सूदी कारोबार में मदद करने से रिलेटेड हुआ। तो इसलिए आप इसका बताइए कि इसका जो कमाई है, ये कंपनी जो हम लोग को पैसा दे रही है, ये जायज हलाल है या हराम है? नाज़रीन, ये हमारे भाई हैं जो सवाल ये कर रहे हैं कि किसी कंपनी में काम करते हैं जहां से इंटरनेट की सप्लाई होती है, और ये काम करते हुए उनके सामने ऐसा भी मौका आता है कि कभी उन्हें बैंकों में जाके यही काम करना पड़ता है। अब ये पूछ ये रहे हैं कि बैंकों में तो सूदी कारोबार होता है, तो वहाँ पर ये सर्विस देने में, ये काम करने में कोई कबाहत है कि नहीं है? तो देखिए, सूद के बारे में आप सब जानते हैं, और इसीलिए आपने सवाल भी किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही सख्त इससे ममानियत की है, कुरान ने भी बहुत सख्ती के साथ इसे रोका है, और अहादीस में तो यहाँ तक कहा गया है कि सूद लेना देना तो हराम है ही। सूद के मामले में अगर कोई गवाह बनता है, कोई लिखता है, तो वो शख्स भी मुजरिम है। तो इस तरह की अहादीस को देखते हुए हम यही कहेंगे कि जहाँ भी सूदी कारोबार है, उसमें किसी भी सिलसिले की कोई मावनत और कोई मदद नहीं होना चाहिए। तो आप जो काम कर रहे हैं वो और मामलात में तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जो जायज़ मामलात हैं, लेकिन जो चीज़ खालिस सूदी मामलात है और क्लियर है, आपको पूरी तरह से मालूम है कि यहाँ पे सूदी कारोबार होता है और आप वहाँ पे इंटरनेट सप्लाई करेंगे, वो लोग यहाँ पर सूदी मामलात को दर्ज करेंगे, लिखेंगे, पूरा सिस्टम उसी से चलाएंगे। तो जब हदीस में मौनियत है कि सूदी मामलात को लिखने से, गवाह बनने से रोका गया है, तो जब हदीस में ममानियत है कि सूदी मामलात में ना तो कुछ चीज़ लिखी जाए, ना तो लिख कर ताउन किया जाए, ना गवाह बनकर ताउन किया जाए, तो फिर आप इंटरनेट सप्लाई करेंगे और इससे यही सारी चीज़ें होंगी, वो लोग किसी का मामला दर्ज करेंगे, लिखेंगे, तो ये सारे मामलात में उनका एक तरह से ताउन ही होगा। इसलिए आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आप ये काम करें, ज़रूर करें, लेकिन दूसरे जगहों पर आप काम करें जहाँ पर ऐसी कोई वाज़े हराम चीज़ आपको नहीं दिख रही है, लेकिन जहाँ पे बिल्कुल ओपन है, साफ आपको मालूम है, साफ दिख रहा है कि यही चीज़ होने वाला है, तो वहाँ पे ये आपको काम नहीं करना चाहिए। बाकी आप दूसरी जगहों पे ये काम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा।